दोस्तों, आपने भूतों के बारे में तो बहुत सुना होगा, बट क्या आपने इस यूनिवर्स के भूत के बारे में सुना है? वेल, मैं मजाक नहीं कर रहा, क्योंकि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को इस यूनिवर्स का भूत कहा जाता है। क्योंकि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, और हमारे यूनिवर्स में जितना भी मैटर मौजूद है उसका हम सिर्फ 5% हिस्सा ही देख पाते हैं, और बाकी का 95% इस यूनिवर्स में डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के फॉर्म में मौजूद है। और दोस्तों, जब बिग बैंग के कारण इस यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ, तब की जो यूनिवर्स की एक्सपेंडिंग स्पीड थी उसे टाइम के साथ साथ ग्रेविटी की वजह से कम हो जाना चाहिए था। पर साइंटिस्ट को कुछ ऑब्जर्वेशन के बाद ये पता चला कि यूनिवर्स की एक्सपेंडिंग स्पीड टाइम के साथ साथ कम हो जाने की बजाय और भी ज्यादा बढ़ रही है, और ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब इस यूनिवर्स में कोई एक्सटर्नल फोर्स मौजूद हो। और तभी साइंटिस्ट को डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में मालूम चला। साइंटिस्ट को डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में ज्यादा चीजें नहीं मालूम है, पर उन्हें ये पता है कि ये चीज मोस्ट प्रोबेबली एग्जिस्ट करती है, और ये चीज काफी मिस्टीरियस है।